Assalamualaikum. Hope you all are fine. Welcome to my channel. आज हम डिस्कस करेंगे अरीशा सुल्तान के टॉप ड्रामास को. सो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद न्यू नोटिफिकेशन रिसीव हो सकें. यह आपकी तरफ से दिया गया गिफ्ट होता है हमारे हार्डवर्क का. सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें. अरीशा सुल्तान, आप अरीशा सुल्तान को पिक में देख सकते हैं. शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड चाइल्ड एक्ट्रेस इन पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री. ये दिन ब दिन फेमसिटी की तरफ जा रही हैं. आज हम इनकी ड्रामा लिस्ट को डिस्कस करते हैं. तो नंबर फर्स्ट पे जो इनका ड्रामा से आता है वो सौतेली ममता. सौतेली ममता अरीशा सुल्तान का फर्स्ट डेब्यू ड्रामा था जो कि रिसेंटली एंड हुआ है हम टीवी पे. और इस ड्रामे में इनका करेक्टर था मिनाहिल के नाम से, अरीशा सुल्तान एज मिनाहिल इन सौतेली ममता. सो आपने इनके करेक्टर को देखा भी होगा, इन्जॉय भी किया होगा और ये बड़ी मासूम सी होती हैं इस ड्रामे में. आप जाके देखें अगर नहीं देखा. नंबर सेकंड ड्रामा सीरियल ऑफ अरीशा सुल्तान इस चुपके चुपके. चुपके चुपके ड्रामा सीरियल जो कि आजकल हम टीवी पर लग रहा है, आयजा खान उस्मान खालिबाद का बड़ा फनी ड्रामा है. इस ड्रामे में ये मुनीबा का करेक्टर कर रही हैं और इनका निकनेम इस ड्रामे में मिर्ची का है जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी गर्ल होती है. और इस ड्रामे में जो इनका डायलॉग ये वाला बड़ा मशहूर हुआ है, अल्लाह का पक्का वादा, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है इनका डायलॉग. इस ड्रामे में ये मीनू की बहन होती है, इनकी आयजा खान की बहन होती हैं और कद्दू की भी बहन होती हैं और हादी की भी बहन होती हैं. आप जाके देखिए, ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त है. सो इन्होंने फ़िलहाल तक ये दो ड्रामे किए हैं, आगे भी ड्रामास करेंगी और हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे. आप ये बताएं कि आपको इन दो ड्रामास में से कौन सा ड्रामा बेस्ट लगता है. और अब आप लोग हमें इजाज़त दें. Thanks for watching. Please like and subscribe my channel and also press the bell icon. Allah Hafiz.